Hi guys, today we will solve a new sum. The question that I have brought today is very difficult, like our earlier videos. If you have learned to solve this type of sums, then you solve this type of confusing sums in the exam. So let's start. ये हमारा सम है. By how much does root 12 plus root 18 exceed root 3 plus root 2? It means कि ये इसका कितना ज़्यादा है, यानी कि root 12 plus root 18 minus root 3 plus root 2. तो अब हम इसको क्या करते हैं कि इसमें हम 12 को हम कितने ऐसे में डिवाइड कर सकते हैं जिससे कि उसका रूट होता हो, यानी कि 4 into 3, यानी कि 4 का हमारा 2 आंसर आ जाएगा और 3 तो 3 है ही. तो हम इस टर्म में इसको डिवाइड करेंगे, इस टर्म में इसको बांटेंगे कि उसका रूट आ जाए, यानी कि रूट 4 इंटू 3 12 हो गया, प्लस रूट के रूट 9 इंटू 2 18 हो गया, और माइनस इसको एज इट इज़ अभी उतार देंगे, ये हो गया. उसके बाद में 4 का रूट क्या होता है हमारा 2, तो 2 रूट 3 प्लस 9 का क्या हो गया 3. तो जब कभी भी रूट के अंदर जो भी कोई भी नंबर है अगर उसका स्क्वायर हम निकालते हैं तो वो स्क्वायर बाहर आता है, तो उस पर से रूट हट जाता है. तो यानी कि माइनस, अब आगे देखते हैं, रूट थ्री प्लस रूट टू, इसको एज इट इज़ उतार दिया. उसके बाद में हमने देखा यहाँ पे कि अब हमारी ये सॉल्विंग हो गई है. अब हम अपना यहाँ पे ब्रैकेट की सॉल्विंग करेंगे. ब्रैकेट की सॉल्विंग यहाँ पे हम पहले इसको वैसे ही एज इट इज़ इसको लिख दिया, टू रूट थ्री प्लस थ्री रूट टू माइनस, जब हम इसको माइनस बाहर है तो हम अंदर इसका ब्रैकेट जब हम इसको ओपन करते हैं तो अंदर वाला जो है वो साइन इसका बदल जाता है, यानी कि रूट थ्री माइनस रूट टू. हमने यहाँ पे ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें इसको थ्री एंड रूट थ्री एंड रूट टू की टर्म में लाना था जिससे कि हमारी सॉल्विंग आगे इसकी बढ़ सके. तभी हमने इसको 4 इंटू 3 किया, 6 इंटू 2 नहीं किया क्योंकि इसलिए कि फिर इसका रूट नहीं निकलता. तो हमें रूट की फॉर्म में ही, मतलब स्क्वायर रूट की फॉर्म में ही हमें इसको बदलना था, इसलिए हमने इसको 4 इंटू 3 किया एंड 9 इंटू 2 किया. तो अभी हमारा खुल के इसका क्या आ गया, 2 रूट 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस रूट 3 माइनस रूट 2. माइनस इसलिए हुआ कि बाहर माइनस है तो जब हमारा रूट खुलता है तो ये माइनस हो जाएगा. उसके बाद में अब हम क्या करते हैं कि रूट थ्री यहाँ पे कितना है, टू रूट थ्री, यानी कि टू है, और रूट थ्री वाला अगला टर्म हमारा यहाँ पे क्या है, रूट थ्री, ये वाला माइनस वाला, तो टू में से हमारा एक माइनस वाला चला गया तो हमारा यहाँ पे क्या बचा, रूट थ्री, यानी कि वन. वन को लिखते नहीं है इसलिए रूट थ्री आ गया. अब प्लस का प्लस, अब रूट टू वाला क्या है हमारा, थ्री है, तो थ्री में से अगर हमारा एक रूट चला गया यानी कि रूट टू चला गया, यानी कट हो गया, माइनस हो गया, तो हमारा क्या बचेगा इसमें, टू रूट टू. तो ये इसकी सिंपल सॉल्विंग हो गई, यानी कि हमने इसको सॉल्व किया विद ए सिंपल वे. अब आगे इसको एक बार और ध्यान से देखते हैं, एक दो बार जैसे ही देखेंगे तो इसकी सिंपल सॉल्विंग हम लोगों को समझ में आ जाएगी कि इसको हमें सॉल्व क्या, मैंने इसको कैसे किया और आपको इसको कैसे करना है. तो ये आज का ये सम था. तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं एक नए डिफिकल्ट एंड एक नए कंफ्यूजिंग एंड मिसअंडरस्टैंड करने वाली एक सम के साथ. टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू.